हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको सामने में दिख रहा होगा, ये वर्टिकल खड़ा किया जा रहा है। यह एक ओपन फाउंडेशन है वायडक्ट का, जो कि रायपुर विशाखापट्टनम पैकेज 5 पे बनाया जा रहा है। और मैं आज इसके बारे में बताऊंगा और इसके बारे में दिखाऊंगा। चलिए तो मैं आपको कुछ इसके पहले इसका ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सामने से इसका सारा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे इसका रेनफोर्समेंट हो रहा है, कौन सा सरिया यूज हो रहा है और क्या इसका स्पेसिफिकेशंस कुछ भी होगा तो मैं उसको बताऊंगा। ये देखिए, ये है इसका ड्राइंग, इसका फाउंडेशन का प्लान है ये। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका इसका जो ये स्क्वायर टाइप का है, और लेकिन इसका डायमेंशन स्क्वायर टाइप का है, और ये एक ट्रेपेजियम शेप का राफ्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका इसमें देखिए इसका हाइट भी दिया हुआ है बीच में। और अब मैं आपको नीचे ले जाके दिखाता हूँ इसका रेनफोर्समेंट डिटेल। इसका रेनफोर्समेंट डिटेल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रुकिए। ये है इसका रेनफोर्समेंट डिटेल, कौन सा सरिया टॉप बॉटम में लगाना है उसके उसका डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है आप देख सक रहे होंगे, HG इंफ्रा को मिला हुआ है, रायपुर विशाखापट्टनम का पैकेज 5 है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने से कैसे सरिया लगाया जा रहा है। वाइडक्ट ओपन फाउंडेशन राफ्ट, इस रास्ते से होते हुए नीचे जाना है हमको। इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका कटिंग जो है हुआ है ग्राउंड लेवल से 7 मीटर डेप्थ गया हुआ है, 7 मीटर डेप्थ है। चलिए इसके ऊपर चलते हैं, इधर के जहाँ पे काम चल रहा है इन्फोर्समेंट का। इसमें आप देख रहे होंगे, एक चीज़ दिख रहा होगा, ये है कपलिंग, जो कि पहले जो है सरिया लैपिंग किया जाता था, लेकिन इसमें एक नया यूज किया जा रहा है। लैपिंग की जगह पे कपलिंग का यूज़ किया जा रहा है। पहले इसमें थ्रेडिंग होता है, देन इसको कपलर के थ्रू कपलिंग किया जाता है। इससे हमारा लैपिंग में जो सरिया यूज होता था ज़्यादा, वो उसका इसमें उसको सेव किया जा रहा है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये टॉप का सरिया है, ये जो दिख रहा है ये आपको टॉप का सरिया है, 20 mm का। ये जो राफ है ट्रेपेजियम शेप का है, और इसमें अभी वर्टिकल खड़ा किया जा रहा है। वो वर्टिकल का जो लेंथ है, अभी फुल लेंथ 12 मीटर का खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर इसका पियर का जो फुल हाइट होगा वो 25 to 30 मीटर का होगा। तो इस पे भी कपलिंग किया जाएगा ऊपर में। और जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राफ्ट है, इसका बस राफ्ट में इसका जो सरिया यूज हुआ है वो 35 टन है, मेट्रिक टन है, जिसमें कि ये वर्टिकल को हटा करके और वर्टिकल को जोड़ करके हमारा 45 से 50 टन का सरिया यूज हुआ है एक फाउंडेशन राफ्ट में। देखिए, इसका जो बॉटम का सरिया है वो 32 mm का है, 2 लेयर में है। इसके बाद जो टॉप का जो सरिया है वो 20 और 25 mm का यूज़ किया गया है, ज़्यादा 20 का है, और एक लेयर जो है 35 पीस ट्रांसफर डायरेक्शन में वो 25 का यूज़ किया गया है। इसके बाद इसका लिंक बार का देख सकते हो, लिंक बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया गया है। आज इसका वर्टिकल का काम किया जा रहा है, वर्टिकल खड़ा करना है, और फिर इसका सेटिंग वगैरह चेक करके, इसका सपोर्ट चेक करने के बाद कल हो सकता है इसका कंक्रीट किया जाएगा, इसका इस राफ्ट का। ये देखिए, वर्टिकल को खींचने के लिए 25 mm का फुल लेंथ सरिया है, जिसको अभी इसको लगाया जा रहा है यहाँ पे।
वर्टिकल में टोटल 180 सरिया है और इसका जो लेंथ है इस राफ्ट का डेप्थ, ये डेप्थ हमारा 2.5 मीटर का डेप्थ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का मैं और दूसरे वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि कैसे इसका पियर और इसका पियर कैप का कैसे होगा, आगे मैं आगे के वीडियो में दिखाऊंगा।